In this video, we will discuss about the topic center of origin and different centers of origin. Center of origin concept किसने दिया था? N.I. Babilov ने 1926 में दिया था. तो सबसे पहले हम देखते हैं जो चार्ल्स डार्विन थे वो साइंटिस्ट थे. एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉम्प्रहेंसिवली ये कहा था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होता है वो क्या करता है, अपने फॉर्म्स को मॉडिफाइड करता है इवोल्यूशन के टाइम पे. मींस चार्ल्स डार्विन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कन्विंसिंगली एंड कॉम्प्रहेंसिवली प्रपोज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स डिसेंड फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव बीन मॉडिफाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. ओके, सो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ ओरिजिन की कैसे क्या होता है, किसी क्रॉप्स की ओरिजिन की या उत्पत्ति कैसे होती है. ओके, फर्स्ट ग्रुप्स ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स वुड डिसेंड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर्स एंड ट्रेसिंग दिस इवोल्यूशन कुड ब्रिंग अस टू द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. ओके, जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करते हैं, एक उसको उसके एंसेस्टर्स क्या होता है, एक कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, मतलब जो रिलेटेड स्पीशीज एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वो स्पीशीज में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं. और या फिर जिनकी उत्पत्ति सेम जगह से हुई होती है उन क्रॉप्स के बीच क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वेयर द वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स एंड नेचुरल सेलेक्शंस दैट इज दैट वेल अडेप्टेड ऑर्गेनिजम्स वुड प्रोपागेटेड मोर, लेस अडेप्टेड वंस वुड टेंड टू गो अंडर एंड दैट ऑफ स्प्रिंग्स वेयर एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ. देखो डार्विन का सिद्धांत क्या कहता था या डार्विनिज्म कि जो सिलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं और उसमें नेचुरल सिलेक्शन होता है. जो भी ऑर्गेनिजम्स अपने आप को उस क्लाइमेट में या उस एरिया में अडॉप्ट कर लेता है वो क्या होता है, ज़्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस होता है, और जो अडॉप्ट नहीं कर पाता है वो क्या चला जाता है, गो अंडर. ठीक है, मतलब वो एक्सटिंक्शन के तरफ चला जाता है. नेक्स्ट सेंटर ऑफ ऑरिजिन. द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ऑरिजिन वॉज गिवन बाय N.I. Vavilov. Vavilov का पूरा नाम क्या है, निकोलाई इवानोविच वेविलो ने 1926 में बेस्ड ऑन इन हिज स्टडी ऑफ वास्ट कलेक्शन ऑफ प्लांट्स या फिर जर्म प्लांट्स का बहुत ज़्यादा कलेक्शन इन्होंने किया था, उस बेसिस में इन्होंने सेंटर ऑफ ऑरिजिन का कॉन्सेप्ट दिया था. वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रशियन साइंटिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी, जो N.I. Vavilov थे वो बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट थे 20th सेंचुरी में. वो उन्होंने क्या किया था, एक एग्रोनॉमिस्ट थे एंड स्पेशलाइजेशन इन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एंड एवोल्यूशन. ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, N.I. Vavilov ने. साथ ही साथ N.I. Vavilov ने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज इन वेरिएशन. ओके, उसके पहले जो हम पढ़ते हैं कि जो N.I. Vavilov थे उन्होंने अपने स्टडी वास्ट कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, तो वो कहाँ पर कलेक्शन किए थे, जर्म प्लाज्म का एट इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री लेनिनग्राद में. ओके, जो रशिया में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री है लेनिनग्राद में, उन्होंने वहाँ पर जर्म प्लाज्म का वास्ट कलेक्शन किया था, उस बेसिस में उन्होंने सेंटर ऑफ ऑरिजिन दिया था. साथ ही साथ वेविलोव ने लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज इन वेरिएशंस भी पोस्टुलेट किया था. ही ऑल्सो पोस्टुलेट द लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन विच स्टेट्स दैट कैरेक्टर्स फाउंड इन वन स्पीशीज ऑल्सो ऑकर इन अदर रिलेटेड स्पीशीज. ओके, लाइक डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड और हेक्साप्लॉयड वीट शो ए सीरीज ऑफ आइडेंटिकल कंट्रोलिंग कैरेक्टर, लाइक ट्रेटिकम एंड सिकल जो होते हैं उसमें क्या होता है, कैरेक्टर जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं. डिप्लॉयड स्पीशीज हो
टेट्राप्लाइड हो या हेक्साप्लाइड स्पीशीज हो, उसमें क्या होता है, कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ओके, होमोलोगस सीरीज होती है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के जीन्स की, राइट। सो द लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज इन वेरिएशन, जेनेटिकली क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एंड जेनेरा आर कैरेक्टराइज बाय सिमिलर सीरीज ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन विथ सच अ रेगुलरिटी दैट नोइंग द सीरीज ऑफ फॉर्म्स विद इन वन स्पीशीज वन कैन प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल फॉर्म्स इन अदर स्पीशीज एंड जेनेरा, ओके। जो भी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होते हैं, सेम फैमिली के होते हैं, तो सेम फैमिली के जो डिफरेंट डिफरेंट जीनस में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो कॉमन होते हैं, और डिफरेंट सेम जीनस के डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के बीच में भी जो कैरेक्टर्स होते हैं, एक कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। मीन्स जो एक जो फैमिली होती है वो एक उसकी एक कॉमन एंसिस्ट्री होती है, जिसमें से कैरेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल सीरीज होती है कैरेक्टर्स की। ऑल द प्लांट्स ऑफ ए फैमिली आर जनरली कैरेक्टराइज बाय ए डेफिनेट पैटर्न ऑफ वेरिएशन दैट पेनेट्रेट इन ऑल द जेनेरा एंड स्पीशीज ऑफ दैट फैमिली, राइट। कैरेक्टर्स फाउंड इन वन स्पीशीज मे बी फाउंड इन अनदर डिपेंडिंग ऑन दियर रिलेशनशिप, ओके। दो डिफरेंट जेनेरा है, अगर वो जितने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगे उनमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो बहुत हद तक सिमिलर होंगे, अगर वो क्लोजली रिलेटेड नहीं होंगे तो उसके कैरेक्टर सिमिलर सिमिलर नहीं होते हैं। जीनोमिक्स द साइंस ऑफ जीन मैपिंग हैज़ प्रोवाइडेड द साइंटिफिक अंडरपिनिंग फॉर वेविलर लॉ ऑफ होमोलॉगी। जब जीनोमिक्स की स्टडी करते हैं, जब जीन मैपिंग की जाती है, तो उससे हमको पता चलता है कि लॉ ऑफ होमोलॉगी हमारा कितना हद तक के वो सही है। मतलब दो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है उसकी जीन मैपिंग की गई, उनमें जो रिलेशन था वो क्लोज था, ओके। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है या उसके जीन्स जो है सेम प्रेजेंट थे। नेक्स्ट, लॉ ऑफ होमोलॉगी सीरीज में स्पीशीज एंड जेनेरा जेनेटिकली रिलेटेड टू ईच अदर पोजेसेस आइडेंटिकल सीरीज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद रेगुलरिटी अलाउइंग प्रेडिक्शन ऑफ आइडेंटिकल फॉर्म्स ऑफ अदर स्पीशीज एंड जेनेरा विद नोन फॉर्म्स ऑफ वन स्पीशीज, ठीक है। जो जेनेरा और स्पीशीज होती है किसी भी प्लांट्स की या ऑर्गेनिजम्स की, अगर वो क्लोजली या जेनेटिकली रिलेटेड होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो भी एक कुछ कैरेक्टर्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे और उसमें स्लाइटली वेरिएशंस प्रेजेंट होगा। वेविलो पॉइंट आउट नेसेसिटी ऑफ जेनेटिक एनालिसिस फॉर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच शो पैरेलल वेरिएशन फॉर डिफरेंट स्पीशीज एंड जेनेरा, एंड इन 1935 व्हेन ही गेट्स इनफ फैक्ट दैट द साइंटिस्ट कंक्लूड्स दैट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एंड जेनेरा पोजेसेस मैनी कॉमन जीन्स टुगेदर विथ सम स्पेसिफिक वंस, ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती है, जब उनका जीनोमिक्स या जीन मैपिंग की गई या जीन लेवल पे स्टडी की गई, तो उनमें ये पता चलता है कि जो कुछ कॉमन जीन्स हैं दो जो कि दोनों स्पीशीज में प्रेजेंट है, दोनों जीनस में प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट, सेंटर ऑफ ओरिजिन, प्लांट डोमेस्टिकेशन वॉज नॉट एट रैंडम, देर आर स्पेसिफिक रीजन्स फॉर स्टार्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। जब किसी प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन होता है तो वो रैंडमली नहीं होता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक रीजन होता है जहाँ पर कि किसी प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन किया जाता है। दीज आर द सेंटर ऑफ ओरिजिन, मतलब जहाँ से क्रॉप्स की उत्पत्ति होती है। प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड रिलेटिव इज़ द बेसिस फॉर सेंटर ऑफ ओरिजिन। किसी भी क्रॉप्स की हम सेंटर ऑफ ओरिजिन तब कहेंगे जब वहाँ पर उस क्रॉप की वाइल्ड रिलेटिव या वाइल्ड रिलेटेड स्पीशीज प्रेजेंट होती है। दीज आर द रीजन्स वेयर वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द प्लांट शोड मैक्सिमम एडेप्टिवनेस, ओके। वहाँ पर जो वाइल्ड स्पीशीज होगी, वाइल्ड रिलेटिव या वाइल्ड स्पीशीज किसी पर्टिकुलर क्रॉप्स की, स्पेसिफिक क्रॉप की, वो वहाँ पर मैक्सिमम एडेप्टिवनेस शो करती है, मतलब बहुत अच्छे से एडेप्टिव होती है। दिस कंक्लूजन्स वर समराइज इन द ओरिजिन वेरिएशंस इम्यूनिटी एंड ब्रीडिंग ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ओके। तो अगर हमको
किसी प्लांट्स के या क्रॉप्स के ओरिजिन सेंटर का पता चल जाता है, तो उसके हम उसके वेरिएशंस, इम्यूनिटी या ब्रीडिंग प्रोसीजर्स का हम उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं कल्टीवेटेड प्लांट में। नेक्स्ट, जो सेंटर ऑफ ओरिजिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट होता है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेकेंड होता है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन या सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। ओके, क्रॉप प्लांट्स आर इवॉल्व फ्रॉम वाइल्ड स्पीशीज इन द एरिया शोइंग ग्रेट डाइवर्सिटी इज टर्म्ड एज प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। जहाँ से कोई क्रॉप प्लांट इवॉल्व हुई है वहाँ पर उसकी वाइल्ड स्पीशीज से उसको बोला जाता है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। ऑल द कल्टिवेटेड स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर ओरिजिन इन दिस प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड लेटर दे स्प्रेड टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ कल्टिवेशन। ओके, जो कल्टिवेटेड स्पीशीज है सभी का एक सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है, उसके बाद जो स्पीशीज है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर स्प्रेड या डिस्ट्रीब्यूट होती है। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन के क्या बेनिफिचर्स क्या क्या हो सकते हैं? द नंबर ऑफ वाइल्ड स्पीशीज प्रेजेंट डाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड स्पीशीज, मतलब जो भी वाइल्ड रिलेटिव वहाँ पर प्रेजेंट है उसकी नंबर ऑफ वाइल्ड स्पीशीज प्रेजेंट होगी, राइट। द सेंटर्स कंप्राइजेस ऑफ ए स्मॉल पोर्शन, 2 to 3% ऑफ लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, राइट। दिस स्मॉल पोर्शंस आर आइसोलेटेड बाय डेजर्ट और माउंटेन रेंज। जो स्मॉल एरियाज होते हैं जहाँ पर सेंटर ऑफ ओरिजिन है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन किसी भी क्रॉप का, वो जनरली माउंटेन माउंटेनियस एरिया हो सकते हैं या फिर कोई डेजर्ट एरिया होता है। अर्ली डोमेस्टिकेटेड ऑफ वाइल्ड वीडी एंड इट्स रिलेटेड फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस सेंटर। जहाँ पर भी किसी क्रॉप्स का प्राइमरी सेंटर होता है वहाँ पर उसके वाइल्ड फॉर्म्स, वीडी प्लांट्स होते हैं, मतलब वीट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या उसके रिलेटेड फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, तो कन्फर्मेशन ऑफ वाइल्ड रिलेटिव एस एंसेस्टर, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है? तो कैसे पता चलता है, कैसे हम कन्फर्मेशन करते हैं? टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज फ्रॉम मॉर्फोलॉजिकल कंपेरिजन, उसके मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड के बेसिस पे हम टैक्सोनॉमिकली क्या करते हैं, कंपैरिजन की जाती है। क्रॉस एबिलिटी एस्टिमेट्स, मतलब जो उसके एंसेस्टर्स हैं उनके साथ क्रॉस की क्रॉसिंग की क्या एबिलिटीज़ हैं। F1 फर्टिलिटी डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोम पेयरिंग एनालिसिस, F1 की फर्टिलिटी हम डिटरमाइन करते हैं क्रोमोसोमल पेयरिंग के थ्रू। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन कल्टिवेटेड एंड वीडी एंड वाइल्ड फॉर्म्स, कल्टिवेटेड स्पीशीज एंड वाइल्ड फॉर्म एंड उसके जो वीड्स होते हैं उनके बीच के फाइटो जेनेटिक रिलेशनशिप की स्टडी करने के बाद हम बोलते हैं, कंफर्मेशन करते हैं कि इस क्रॉप का एक पर्टिकुलर प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। सर्टेन क्रॉप्स स्पीशीज सो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ अ प्लांट स्पीशीज विदाउट प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स, मीन्स दे डिडंट या दे डिड नॉट ओरिजिनेटेड देयर, रिप्रेजेंट्स इट्स सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और सेंटर ऑफ और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। ओके, ऐसी क्रॉप स्पीसीज जहाँ पर एक कंसिडरेबल अमाउंट्स में वेरिएबिलिटी प्रेजेंट होती है किसी प्लांट स्पीसीज की, लेकिन वह क्रॉप स्पीसीज वहाँ से ओरिजिन नहीं हुई होती है, उनको सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन को सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक जो जियोग्राफिकल एरिया है उसमें एक पर्टिकुलर एरिया में उस सेंड प्लांट स्पीशीज की बहुत ज़्यादा वेरिएशंस उस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक प्लेस में देखने को मिलती है। इट ऑल्सो कंसिडर्ड अ सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, राइट। क्रॉप डाइवर्सिटी क्या होता है? द वेरिएशन बिटवीन एंड विद इन क्रॉप्स एंड बिटवीन क्रॉप एंड वाइल्ड रिलेटिव्स, जो विद इन क्रॉप्स और बिटवीन क्रॉप जो डिफरेंसेस होते हैं, वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं, उनको क्रॉप डाइवर्सिटी कहा जाता है। उनमें मैक्सिमम वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन में। प्रेजेंस ऑफ वीट फॉर्म एंड कल्टिवेटेड फॉर्म बट नो वाइल्ड रिलेटिव्स। ओके, जो सेकेंडरी सेंटर और सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है वहाँ पर जो किसी क्रॉप स्पीशीज होती है उसके वीट फॉर्म्स या कल्टिवेटेड फॉर्म देखने को मिलते हैं, लेकिन वाइल्ड रिलेटिव वहाँ पर नहीं मिलता है। ओनली रिसेसिव जीन्स आर प्रेजेंट इन द लार्ज नंबर, राइट। ओनली जो अगर हम जीन मैपिंग की जेनेटिक एनालिसिस करते हैं, जीन मैपिंग करते हैं, तो हमको पता चलता है कि जो रिसेसिव जीन्स है उस पर
एंसेस्टर, जैसे कि कोई क्रॉप स्पीशीज है उससे रिलेटेड रिसेसिव जीन्स ही बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। बल्कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो उसमें बहुत सारे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होते हैं कॉर क्रॉप स्पीशीज से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, रबर वास ओरिजिनेटेड इन एमेजॉन रिवर बेसिन, बट मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज इन कल्टिवेटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग मलाया। जो रबर होता है, रबर का प्लांट, उसका ओरिजिन अमेजॉन रिवर बेसिन से हुआ है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है? मलाया में। ओके एक होता है माइक्रो सेंटर ऑफ ओरिजिन। ओके जो सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। अदर देन बोथ, एक क्या होता है, एक बड़े से जियोग्राफिकल एरिया में एक बहुत छोटा पार्ट होता है, स्मॉल जियोग्राफिक एरिया होता है, जहाँ पर किसी क्रॉप की बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी या वेरिएशंस देखने को मिलता है, उस रीजन को माइक्रो सेंटर्स और ऑफ ओरिजिन या माइक्रो सेंटर्स कहा जाता है। राइट, द एग्जैक्ट सेंटर्स वर लोकेटेड इन सेवरल कंपेरेटिवली स्मॉल जियोग्राफिक एरियाज ऑन द ग्लोब, स्पेशली इन द माउंटेनियस एरिया ऑफ एशिया, अफ्रीका, अलॉन्ग द मेडिटेरियन कोस्ट एंड इन साउथ सेंट्रल एंड नॉर्थ अमेरिका। यहाँ जो जो मेन सेंटर्स ऑफ ओरिजिन होते हैं वहाँ पर कुछ ऐसा स्मॉल जियोग्राफिक एरिया होता है जहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी या डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उन एरियाज को माइक्रो सेंटर कहा जाता है। राइट, तो एन आई वेविलो ने एट मेजरली एट माइक्रो सेंटर्स दिए थे। वो कौन कौन से दिए थे उसको स्टडी हम अभी करते हैं। फर्स्ट था चाइना, चाइना। सेकंड हिंदुस्तान सेंटर। हिंदुस्तान सेंटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इंडो बर्मा रीजन एंड सियाम मलाया जावा सेंटर। थर्ड होता है सेंट्रल एशिया, एशिया माइनर, एबिसिनियन सेंटर, मेडिटेरियन, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका जो रीजन है, साउथ अमेरिकन। साउथ अमेरिकन को फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पेरू, एडू, इक्वाडोर, चिली एंड ब्राज़ील, पैराग्वे। ओके उसके अलावा एक अदर सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है, एन आई बिलो ने उसके बाद दिया था यूएसए सेंटर ऑफ ओरिजिन। ओके तो हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से क्या सेंटर ऑफ ओरिजिन होते हैं। फर्स्ट चाइना, दिस सेंटर कंसिस्ट ऑफ द माउंटेन रीजन ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न चाइना एंड नेबरिंग लोलैंड्स एरिया। ओके देयर इज लार्जेस्ट, दिस इज लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ ओरिजिन। सबसे बड़ा और सबसे पुराना सेंटर ऑफ ओरिजिन है चाइना। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन किस किस क्रॉप्स का है, सोयाबीन, रेडिश, कोलोकेशिया, बकवीट, ओपियम, सिट्रस की कुछ स्पीशीज है, जैसे कि सिट्रस नोबेलिस, एवेना न्यूडा, चाइनीज टी की स्पीशीज है कैमेलिया चाइनेंसिस, इनकी प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन चाइना है। सेकंड ये चाइना होता है वो कुछ क्रॉप्स का सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन ना होने के बावजूद वहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसकी मेज, राजमा, काउपी एट्सेट्रा। ओके नेक्स्ट है हिंदुस्तान सेंटर। हिंदुस्तान सेंटर क्या है, दिस सेंटर्स इंक्लूड्स बर्मा, असम, मलाया, जावा एट्सेट्रा रीजन, एक्सक्लूडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। राइट, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया होता है वो सेंट्रल एशिया के अंदर कंसिडर होता है वह एरिया, और जो हिंदुस्तान सेंटर आता है वो इंडो बर्मा वाला रीजन होता है, जहाँ से प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन किस किस क्रॉप का है, राइस, पिजन पी, चिक पी, मूंग बीन, काउपी, कुकम्बर, रेडिश एंड मैंगो, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिनकी प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन हिंदुस्तान सेंटर है। नेक्स्ट सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कौन कौन से एरियाज कवर होते हैं, इट इंक्लूड्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इट इज ऑल्सो नोन एज अफगानिस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन। ओके जो सेंट्रल एरिया का रीजन होता है उसमें कौन कौन सी रीजन या प्लेसेस आते हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गए, पंजाब हो गए, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविनेंस, कश्मीर, अफगानिस्तान का पूरा एरिया, सोवियत रिपब्लिक्स ऑफ तजाकिस्तान या युजबेकिस्तान। ओके ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो कि सेंट्रल एरिया के अंदर कंसिडर होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं वीट, क्लब वीट, पी, ब्रॉड बीन, लिनसीड, शीशम, सेफ फ्लावर, ऑनियन, एप्रिकॉट,
ईयर एंड बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे स्पीशीज है जिनका ओरिजिन सेंट्रल एशिया होता है। नेक्स्ट है एशिया माइनर, राइट। दिस इज ऑल्सो नोन एज नियर ईस्ट और पर्शियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। इनको पर्शियन सेंटर ऑफ ओरिजिन भी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ एशिया माइनर, इंटीरियर्स ऑफ एशिया माइनर, मतलब जो ईरान और टर्कमेनिस्तान का जो पूरा एरिया होता है वो एशिया माइनर और सेंटर के अंदर कवर होता है, इंक्लूड होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं राई, अल्फा अल्फा, पर्शियन क्लोवर, कैरेट, कैबेज, ओट्स, लेट्यूस। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट है मेडिटेरियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। ओके, जो मेडिटेरियन सेंटर होता है वहाँ पर से भी कुछ सीरियल्स और इम्पॉर्टेंट लेग्यूम्स के ओरिजिन होता है। कि जैसे कि ड्यूरम वीट हो गया, एमर वीट हो गए। एमर वीट मीन्स ट्रिटिकम डाइकॉकम, ड्यूरम वीट मीन्स ट्रिटिकम ड्यूरम, लेंटिल, क्लोवर और सेवरल स्पीशीज ऑफ ब्रसिका जिसकी ओरिजिन मेडिटेरियन सेंटर ऑफ ओरिजिन है। एबिसिनियन सेंटर क्या है? एबिसिनियन सेंटर में कौन कौन से एरिया इंक्लूड होते हैं? जैसे कि इट इंक्लूड्स इथियोपिया एंड हिल कंट्रीज ऑफ इरिटेरा रीजन्स। ओके, इरिटेरा रीजन्स और जो इथियोपिया के रीजन्स है वो एबिसिनिया सीनियन सेंटर्स में इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल है इसके ट्रिटिकम टर्जिडम, ज्वार, बाजरा, ज्वार जिसको सॉर्गम बोला जाता है, बाजरा, पर्ल मिलेट, ग्राम, सेम, लेथायरस और बहुत सारे स्पीशीज होते हैं जिनकी ओरिजिन एबिसिनिया सेंटर से होती है। नेक्स्ट है सेंट्रल अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन। ओके, जो सेंट्रल अमेरिका होता है उसमें कौन कौन से एरिया कवर होते हैं? मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ओके, जो क्या है, लिमा बीन्स, मेलन्स, पम्पकिन, स्वीट पोटैटो, चिली, कॉटन, पपाया। कॉटन की जो गॉसिपियम की कुछ स्पीशीज है जो कि अमेरिकन से ओरिजिन होती है, अमेरिकन स्पीशीज कहलाती है, और कुछ एशियंस होती है, गुआवा, एवोकाडो एटसेट्रा। ओके, सेंट्रल अमेरिका रीजन्स को मैक्सिकन सेंटर्स भी कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट है साउथ अमेरिकन सेंटर। तो साउथ अमेरिकन सेंटर्स में कौन कौन से एरियाज कवर होते हैं? इट इंक्लूड्स हाई माउंटेनियस रीजन्स ऑफ पेरू, बोलीविया, एडुकेटर, कोलंबिया, पार्ट्स ऑफ चिली, ब्राज़ील एंड पैराग्वे का होल पार्ट। उरुग्वे का जो होल पूरा पार्ट होता है वो साउथ अमेरिकन सेंटर्स के अंदर कवर होता है। इसके एग्जांपल्स हैं पोटैटो, इजिप्टियन कॉटन, टोमेटोस, कसावा, टोबैको, क्विनाइन ट्रीज एंड पाइनएप्पल। ओके, तो जो एन आई वेबिलो थे उन्होंने वास्ट जम्पलास का कलेक्शन किया था। ओके, ऑलमोस्ट देखा जाए तो जो इंस्टीट्यूट था अगर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले ऑलमोस्ट 2.5 लाख, 2,50,000 तक के जो जर्म प्लास्ट का कलेक्शन था उस बेसिस पे एन आई वेबिलो ने डिफरेंट डिफरेंट सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे।